We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Today is day 4 at Silla. And we are stuck because of a natural disaster, no mama? So very good morning, kisi amake ekta dao. Ekta good morning, kichi. And finally, today morning, you can see something like this. And we are quite happy, but we don't know the road condition because nothing is going up, nothing is coming down from Duktumal kitchen here. You can see. And most importantly, in this kind of places, this kind of facilities is always special. So I have Dasriti Didi with me, who is a local resident from village Sela. So, आप मुझे ये बताइए दीदी कि क्या परेशानी हो रहा है इस ऐसे आपदा आने पे आपको? रास्ता ब्लॉक है, रास्ता नहीं है, पार पार जाने के लिए पुल नहीं है, पुल नहीं है, ये दिक्कत है हमको यहाँ पर। जी जी, इसलिए राशन पानी लाना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, ये दिक्कत है हमारे पहाड़ी इलाका में। हाँ हाँ, और ये ऐसा तो लास्ट टाइम आप कब देखे थे, इतना बारिश हुआ, ऐसे आपदा है? फर्स्ट बार देखा, फिर फर्स्ट बार ऐसा आपदा हुआ आपको? हम तो सुनाई दे रहे हैं कि 35 लोग मर गए हैं। आप लोग तो माइग्रेशन कर जाते हो? हाँ, माइग्रेशन। तो अभी कैसे करोगे ये हाल में? अब ये हाल में अब रोड बनाएगा फिर तब जाएंगे नीचे। तब जाओगे? नहीं तो कैसे जाएंगे फिर, गाय बछड़े घोड़े कैसे ले जाएंगे? आदमी तो चलो निकल जाएगा, ये गाय बछड़े तो निकलेगा ही नहीं, गाय बछड़े तो निकलेगा। हाँ, यही तो दिक्कत है हमारा, ये दिक्कत है जी। तो देव सिंह जी, आप जो कहानी बता रहे हो ये नागलिंग का, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ पे जो सांप का जो निशान होता है कैसे हुआ था, थोड़ा सा बताइए। अच्छा, शुरू से बताना पड़ेगा? बताइए बताइए। उसमें एक बहुत पहले की बात है ये कि वहाँ आदमी जब जाता था तो सांप जो आदमी जिंदा आदमी खा जाता था, खाने की वजह से लोग कहाँ से जाते थे, नांगलिंग के रास्ते से जाके आपका बाली निकलते थे। तो उसके बाद एक ऐला लोहार आया, लोहार आया तो लोहार उसके पास गया, सामने कहा बेटा मैं तेरे को खाता हूँ। पहले लोहार ने कहा भैया आप मेरे को तो खाना ही है, पहले मुझे भी खाना थे। तो उसने कहा देख खाना बनाओ। तो उसने खिचड़ी पकाई बीरबल की तरह, बहुत ऊंचा करके डिक्की डाल के और नीचे उसने पत्थर डाल दी, कमजोरे पत्थर डाल दिए। उसके बाद वो पत्थर गर्म करता रहा, जब पत्थर गर्म हुआ तब नाग ने कहा बेटा आ जाओ। उसने बोला मुझे खाने थे, वो खाना आना खाया, टका रखा लिया। उसके बाद उसने कहा भैया मैंने खाना आना खा लिया हूँ, अब मैं आप मेरे को खा सकते हो। उसने कहा आ जाओ। बोला आपका आंख बहुत बड़ा है, आंख बंद करो और मुंह खोलो ताकि मैं आपके मुंह में कूदूं। उसने कहा ठीक है। उसने मुंह खोला, आंख बंद किया, उसने गमलोड़ा पकड़ा, फेंका उसके पेट, गमलोड़ा मतलब गर्म पत्थर, गर्म पत्थर, गर्म पत्थर फेंका और सारा उसके तोते फट गया। उसके बाद सब पत्थर उसका निशानी था, उसका उसका पूरा निशानी है, पूरा निशानी, सांप का टेल का निशानी पूरा है, आपने देखा होगा। हां, हमने देखा। हां, वो है पुराने कहानी है। और ये बालिंग के बारे में आप जो बोल रहे थे, सुरंग जो है? हाँ, अच्छा, बालिंग में सती युग में गोरखा का राज होता रहा, तो राज होता है तो वहाँ पर एक सुरंग है, बालिंग से वो सुरंग आपका नांगलिंग तक निकलता है, नांगलिंग तक 100 मीटर तक। तो 100 मीटर तक तो मैं भी गया हूँ, उससे आगे मैं नहीं गया हूँ। चट्टान में खिड़की भी है जगह जगह 100 मीटर में। तो जब गोरखा राज था तो लोगों को मारने के लिए उनका अपना राज करने के लिए सेला तक पहुँचा, सेला वाले भागे आगे, तो सेला वाले भागे, नांगली वाले कहने लगे भैया सेला वाले आगे हम भी भागते हैं। अब वो भागते भागते बालिंग पहुंचे, बालिंग के बाद उस सुरंग के अंदर चला गया। तो उनके पास का गाड़ी का टाइप का कपड़ा था और उसमें रस्सा से बांध रखा था कमर, एक एक साइड में गमलोड़ा पत्थर था, एक साइड में सत्तू था, सत्तू का डल्ला था। जब उनको भूख लगी उन्होंने सत्तू का डल्ला पकड़ा, मुंह में खाया और एक तरफ से पत्थर गमलोड़े का पत्थर पकड़ा और पत्थर फेंका गोरखाओं को मारने के लिए। तब गोरखा कहता है भैया ये तो राक्षस है, एक लोड़ा खांदे से एक लोड़ा फांदे के साथ नहीं जीत सकते। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत। हाँ।